नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयरोनिक व्लॉग्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सब लोग बाहर घूम रहे हैं, सो थर्ड वेव इज़ नॉट सो फार फ्रॉम अस। बट आई गेस इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस मैंने से कैमरा के सामने वीडियो बनाया। लास्ट वीडियो मेरा फेमिनिज्म एंड ह्यूमैनिटी पे था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड ये वीडियो बनाने की मेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं थे। मैं बस एक वन वीक अगो मेरे ऐसे इंस्टा मतलब मेरे फोटोज़ टू ईयर्स अगो मेमोरीज को चेक करी थी, एंड तब मुझे कुछ ऐसे फोटोज़ मिले जिससे मुझे आज समझ में आया दैट फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न टू द डे वी डाई देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे जो हमें कुछ नहीं सिखाती। जो लोग बोलते हैं ना फ्रॉम एज 14 टू 18 के बच्चों को दैट तुमने तो अभी वर्ल्ड नहीं दिखा, ऑफकोर्स वी हैव नॉट सीन वर्ल्ड, बट एटलीस्ट हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो आगे चल के बहुत हेल्पफुल होती है। सो फॉर दिस वीडियो वी हैव टू गो लिटिल बैक, वी हैव टू समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड आई वॉज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ आई वॉज ऑलवेज अ रेड हाउस स्टूडेंट। एंड जब मैं फोर्थ में आई तो वैन आई सॉ पीपल लाइक स्टूडेंट्स ऑफ माई एज हैविंग लाइक दैट रेड स्कार्फ, आई होप एवरी वो सबके स्कूल में वो काउंसिल होता है ना, रेड ब्लू ग्रीन येल्लो के कैप्टन्स होते थे एंड देन स्कूल काउंसिल होती थी, सबके स्कूल में ही होता होगा। तो उस टाइम पे जब मैंने ऐसा देखा तो इट लिटरली वॉज लिटरली अ वेरी क्यूट एंड वेरी वो बहुत कूल लगता था मुझे, एंड मुझे भी वो चाहिए था वो टाइम पे। बट आई वॉज लिटरली नॉट सो ओपन माइंडेड चाइल्ड दैट टाइम। मैं बहुत खुद में ही रहती थी, खुद में ही सब करती थी, एंड आई वॉज नॉट सो फ्री लाइक ऐसे नहीं थी मैं पहले। तो मैंने तभी सोचा कि मुझे भी ये स्कार्फ चाहिए। तो वैन आई केम टू एट्थ स्टैंडर्ड तो आई हैड क्वाइट गुड फ्रेंड्स अबव माई एज, अ ईयर एल्डर देन मी, सो दे वर लाइक हैव गुड फ्रेंड्स टू गाइड मी फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई स्टिल हैव दोज फ्रेंड्स। एंड उसके बाद एट्थ स्टैंडर्ड में जब इलेक्शंस हुए तो आई थॉट दैट आई शुड टेक पार्ट, क्योंकि मे बी मुझे एक्सपीरियंस मेरे को एक्सपीरियंस हो सकता है ताकि मैं आगे जाके अच्छा कर सकूँ। तो ये सब इलेक्शंस का जब हो गया एट्थ स्टैंडर्ड में, आई हैड वन फ्रेंड हर्ष चौहान जो नाइन्थ में था एंड मैं एट्थ में थी, सो ही वॉज लकीली वाइस रेड हाउस कैप्टन। सो आई थॉट दैट ही विल गाइड मी प्रॉपरली एंड ही विल लाइक वो मुझे एक्सपीरियंस करा सकता है ये सब चीज़ों के बारे में। तो जब भी मार्च पास होता था ही यूज टू टेक मी इन हिज स्क्वाड एंड ही यूज टू ट्रेन मी, एंड ये सब होते हुए मुझे लगा कि नाइन्थ में मैं भी बन जाऊँगी वाइस रेड हाउस कैप्टन और मेरे अंदर बहुत एक्सपीरियंस है, मैं कर सकती हूँ ये वो। और जब मैं फिर नाइन्थ में जब इलेक्शंस का टाइम आया आई गेव ऑल द इलेक्शंस कॉन्फिडेंटली। फर्स्टली आई वाज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन फोर्थ स्टैंडर्ड, इन टेंथ स्टैंडर्ड, इन नन ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स, बट आई वाज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। लाइक स्टडीज में मेरा ध्यान नहीं जाता था, बट आई वॉज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि मैं ये सब बोल रही हूँ। जब नाइन्थ में इलेक्शंस तो हो गए, सब वोट जैसा भी मांगते ना वैसे ही वोट क्लास में जाके मांगना था। फिर रिजल्ट का टाइम आया एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट सिलेक्टेड। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने सारे मतलब जो भी नेसेसरी था कमांड्स वगैरह सब मैंने कर लिया, बट स्टिल इट डिडंट वर्क फॉर मी एंड किसी और को बनाया। तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स मुझे तो यही लगेगा ना कि आई वाज मोर कैपेबल, वो कैपेबल हो सकती है, बट उस टाइम मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई। एंड तो ये सब हुआ तो थोड़ा तो बुरा लगेगा ही ना, तो दो तीन महीने ऐसे चला फिर सब ठीक हो गया। तो जस्ट राइट बिफोर माई एग्ज़ाम्स, नाइन्थ के फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले आई डिड समथिंग जो कि बहुत वॉज अन इंटेंशनल बट इट जस्ट हैपेंड, एंड वो उस चीज़ की वजह से मेरा स्कार्फ भी चला गया था। एंड तब तो मेरी होप्स ही चली गई थी दैट कुछ हो भी सकता है एंड ये सिर्फ एक ड्रीम टू ड्रीम ही रह सकता है, ये ऐसा सा था। फिर टेंथ में आई गॉट वन फाइन लास्ट चांस एंड आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल टू माई प्रिंसिपल, स्कूल्स प्रिंसिपल दैट शी गेव मी दैट लास्ट चांस। एंड फिर से लाइक ये सब इलेक्शंस हुआ एंड गेस वॉट, I finally got this in my last year of schooling, Red House Captain, not even Vice, Red House Captain. It was literally so proud moment for me, like it's literally very small thing, बहुत छोटी सी बात है but फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ, I hope you guys getting what I mean to say. So इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है that you should never give up because there is that one fine day that is waiting for you and हर चीज़ का एक करेक्ट समय होता है। मैं बहुत हाइपर पर्सन हूँ,
खुद से बोल रही हूँ, बहुत हाइपर पर्सन हूँ, बट वी नीड टू स्टे काम, वी नीड दैट कामनेस जो हर चीज़ को ईजी कर सकता है. एंड येस, सो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. खुद भी मोटिवेटेड रहो, लोगों को भी मोटिवेट करो, एंड जस्ट गो फॉर इट. एंड ये मत समझ रही कि ज्ञान दे रही, बिकॉज नॉलेज इज पावर, नॉलेज हैज नो एंड. जहाँ से भी नॉलेज मिले सिर्फ लेते रहो, लेते रहो. ये बहुत छोटी सी बात है, बट एटलीस्ट इससे हमें ये चीज़ पता चलती है दैट यू शुड नेवर गिव अप, बिकॉज गिविंग अप इज नॉट द वे टू द सक्सेस. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू थिंक मैंने कुछ भी 1% ऑफ योर थॉट, 1% ऑफ योर थिंकिंग बोला है, सो कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब. And stay indoors, stay safe, take all the necessary precautions because third wave is not so far. And I will see you in the next video. Bye guys and stay safe.